दोस्तों क्या होगा अगर एक आईफोन को 100 चार्जर से चार्ज किया जाए, और क्या हुआ जब 50 मिरर के रिफ्लेक्शन को एक जगह पर फोकस किया गया। इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब पर किए जाने वाले कुछ सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी लेंस से पेपर को जलाया होगा, पर क्या होगा अगर बहुत ढेर सारे मिरर्स का रिफ्लेक्शन एक साथ किसी एक ऑब्जेक्ट पर डाल दें। इस एक्सपेरिमेंट को मिस्टर इंडियन हैकर नाम के यूट्यूब चैनल पर किया गया था, जिसे देख कर लोगों के होश उड़ गए। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 50 मिरर्स को एक साथ में रखा गया और उनका फोकस एक बड़े से प्लाईवुड शीट पर मारना शुरू किया गया। पहले तो शायद इन लोगों ने सोचा था कि ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस सूरज की किरणें एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगी। लेकिन मिरर का फोकस सेट करते ही प्लाईवुड पर आग लगना शुरू हो गई और इस शीट में दो बड़े बड़े होल्स भी हो जाते हैं। इस खतरनाक नजारे को देखकर इन लोगों ने जल्दी से सभी कुछ हटा दिया। दोस्तों लेंस से तो आप लोगों ने आग लगते हुए कई बार देखा होगा, पर मिरर से ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट आपने पहली बार देखा होगा। दोस्तों आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रबर बैंड वर्सेस वाटरमेलन। दोस्तों अब इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा अगर एक के बाद एक रबर बैंड को एक वाटरमेलन पर चढ़ाया जाए, जहां एक रबर से किसी चीज पर प्रेशर अप्लाई करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहीं जब बहुत से रबर बैंड से एक ही जगह पर प्रेशर को अप्लाई किया गया तो उसका रिजल्ट देखने लायक होता है। बहुत ढेर सारे रबर बैंड वाटरमेलन पर चढ़ाने के बाद जब ये लोग इस पर एक और चढ़ाने वाले होते हैं, उससे पहले ही अचानक से वो वाटरमेलन बीच से फट जाता है। आप इन वीडियोस में देख ही सकते हैं कि एक जगह पर इन रबर बैंड का इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो गया कि वाटरमेलन बीच से फट गया। 100 चार्जर्स इन एन आईफोन, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल फास्ट चार्जर्स आने लगे हैं, जिनसे मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। पर इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि क्या होगा अगर एक आईफोन को 100 चार्जर से चार्ज किया जाए और दूसरी तरफ उसी मॉडल के आईफोन को एक चार्जर से चार्ज किया जाए। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा आईफोन जल्दी चार्ज होगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 100 चार्जर का इस्तेमाल करके एक ऐसा चार्जर बनाया गया था। फिर जब आईफोन्स को चार्ज करना स्टार्ट किया गया, दोस्तों जो आईफोन 100 चार्जर से चार्ज हो रहा था वो 50% का मार्ग दूसरे से जल्दी क्रॉस कर देता है, पर 100% चार्ज होने में दोनों के बीच में सिर्फ 7% का ही डिफरेंस होता है। फ्लोरोक्लोर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के घरों में वाटर प्यूरिफायर होगा, पर अब मैं आपको जो वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस बाल्टी में बहुत गंदा पानी भरा है। एक शख्स इसमें फ्लोरोक्लोर नाम की फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन टैबलेट डालता है और फिर ये पानी को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद देखिए कुछ ही देर में क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये सिर्फ 5 मिनट में बिल्कुल साफ पीने के लायक हो गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपर सोकर। दोस्तों आप लोग बंदूक वाली पिचकारी के बारे में जानते होंगे, जिससे लोग अक्सर दूसरों के ऊपर पानी डालते हैं, पर अब मैं आपको जिस पिचकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपर सोकर। इसे मार्क रॉबर नाम के यूट्यूबर ने बनाया है। ये गन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जिस चीज पर इसे चलाया जाता है ये उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि जब इसे कोक कैन के ऊपर चलाया जाता है तो देखिए इसने कैन का क्या हाल कर दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।